मैं इश्की, मासूम सी क्यूट सी लड़की जो बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हूँ। मैंने अपने माता पिता को तो आज तक नहीं देखा। बचपन से ही मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मीशा के साथ ही रहती हूँ। वहीं कोई एक ऐसा शख्स भी था जिससे मैं क्या पूरा शहर कांपता था, क्योंकि वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, गुस्सेल, खुदगर्ज और खतरनाक इंसान था। वो कोई और नहीं बल्कि मीशा का भाई था, जो लड़कियों से सख्त नफरत करता था, जिसे सब डेविल के नाम से जानते थे, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। कैसे भूल सकती हूँ मैं उस रात को जब उस राजवीर ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर बिना मेरी मर्जी पूछे मुझे उस शादी के मंडप पर बैठा दिया और मुझसे शादी कर ली। बालिग भी नहीं थी मैं शादी के लिए कि अचानक शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी जिससे शादी हुई है वही डेविल है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी शादी डेविल से होगी। मैं खुली आंखों से अपनी जिंदगी बर्बाद होते हुए देख रही थी और उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और शादी के बाद मुझे उसके कुछ ऐसे राज के बारे में पता चला जिसके बारे में उसके पूरे खानदान को भी नहीं पता था। मैंने भी सोच लिया था कि राजवीर की असलियत को सबके सामने ला कर रहूंगी, इसलिए पहुंच गई उसके खास कमरे में जिसमें वो काफी समय अकेले बिताता था। मैंने भी सोचा कि आखिर ऐसा क्या है उस कमरे में, और वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी तो रूह कांप गई। राजवीर इतना घटिया काम भी कर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और क्या इसीलिए राजवीर डेविल बन गया? जानना नहीं चाहोगे आप कि क्या देखा मैंने उस कमरे में, और आखिर क्यों की थी उसने मुझसे जबरदस्ती शादी, और क्या राज थे उसके? क्या है राजवीर के डेविल बनने की सच्चाई? जानना चाहते हो आप तो अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM पर डेविल से शादी ऑडियो शो और सुनिए मेरी कहानी।